तो हम आज क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, मतलब जल का महत्व। इसका मतलब क्या हुआ? जल का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मतलब जल का महत्व, मतलब हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, क्या योगदान है, उसके बारे में हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। नहीं, क्या है पहला, क्या है? वाटर इज अ प्रीसियस, वाटर इज अ प्रीसियस गिफ्ट टू द वुमेन्स, टू द वुमेन्स गिवन बाय द नेचर। इसका हिंदी मतलब है कि जल प्रकृति के द्वारा दिया गया मानव को एक कीमती उपहार है। नहीं, जल मानव को प्रकृति द्वारा दिया गया क्या है? एक कीमती उपहार है। प्रीसियस मतलब क्या होता है? कीमती। गिफ्ट मतलब उपहार, मतलब कि जो जल क्या है प्रकृति के द्वारा, गिवेन बाय द नेचर, गिवेन बाय द नेचर, इसका मतलब है कि प्रकृति के द्वारा दिया गया मानव को क्या है? कीमती उपहार है, उपहार है। सेकेंड में क्या है? We cannot imagine life on the earth without water. क्या है कि we cannot imagine life on the earth without water. इसका हिंदी मतलब है कि जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जल के बिना, हम जल के बिना अंधार्थ मतलब पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। थर्ड में क्या है? वाटर इज वेरी नेसेसरी, वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका मतलब है कि जल मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए बहुत जरूरी है। वेरी नेसेसरी मतलब बहुत जरूरी है। फोर्थ में क्या है? वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, वॉशिंग एटीसी। इसका मतलब है जल का उपयोग पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, स्नान करने के लिए और धोने के लिए उपयोग करते हैं कि नहीं? Yes, किसका उपयोग करते हैं? जल का। जल का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, वॉशिंग के लिए, धोने के लिए। ऐसा में yes, एंड फिफ्थ में है, वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, इंडस्ट्री मतलब कारखाने कंपनियां, नहीं इंडस्ट्री yes, मतलब कारखाने एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मतलब हुआ बिजली उत्पादन। क्या हुआ? बिजली उत्पादन। इसका पूरा मीनिंग क्या है हिंदी मीनिंग? कि जल का उपयोग कृषि के लिए, कारखाने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए क्या करते हैं नहीं? Yes. जल का उपयोग कृषि के लिए, कृषि मतलब खेती करने के लिए, कृषि मतलब खेती करने के लिए, इंडस्ट्री मतलब कारखाने में जो बड़े बड़ी कंपनियां कारखाने, उसमें जल का उपयोग होता है कि नहीं? एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब है बिजली उत्पादन। जल से बिजली बनता है कि नहीं? Yes, sir. तो बिजली उत्पादन में भी क्या करते हैं हम? जल का उपयोग करते हैं। आया समझ? Yes, sir. कितना समझ में आया? 100%। Yes, sir. फिर से एक बार बताते हैं क्या लिखा हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इसका मतलब जल का महत्व, जल का महत्व, जल का महत्व, महत्व। आगे समझ में? Yes, चलो।
तो आज की क्लास अब समाप्त हुआ।